हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवेंथ इंग्लिश मीडियम आपका लेसन 3 बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर अब आपको पढ़ना है कि इसके पहले मैंने मैटर कई पॉइंट्स आपको डिस्कस कर लिए। अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट पॉइंट जानना है कि किस तरीके से आप ब्लड के बाद, उसके फ्लूइड वगैरह की चर्चा करने के बाद, आप नेक्स्ट आपका ब्लड सेल्स आपने पढ़ लिया, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ब्लड वेसल्स। द ब्लड वेसल्स क्या होते हैं ये आपको जानना है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। आप बता सकते हैं ब्लड वेसल्स क्या है। तो देखिए, द ब्लड ट्रेवल्स, जो ब्लड आपका जिससे जाता है, जो जिसके थ्रू जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। एंड दे आर थ्री टाइप्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। एंड फर्स्ट और आर्टरी, फर्स्ट आर्टरीज एंड द सेकेंड वेन्स एंड द सी कैपिलरीज। द ये आपको बता सकते हैं, ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कहलाता है। तो यानी लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। इसमें दे ट्रांसपोर्ट ये कहाँ से करता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो दे ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये आप इसमें कह सकते, ये चीज़ ये भी बता सकते हैं, दे आर जनरली कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। तो ये जो करते हैं वो आप लिख सकते हैं, दे जनरली कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन। तो ये आप लिख सकते हैं, वेन्स में आपका है कि ये क्या करता है, तो देन वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स, और टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दे कैरी इम प्योर ब्लड इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। एंड द वेन्स हैव वॉल्स, देन ये भी लिख सकते हैं आप, इट हैव वॉल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
which prevent the blood from flowing back to the organs. इसका काम क्या होता है, इसका वॉल्व का जो रोकता है, तो यानी which prevent blood from flowing back to the organs. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या है. तो आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंस है, यह आप देखिए. आर्टरीज के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है. दे ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये एक लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक ले जाता है, यानी कि ये हार्ट से फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये आर्टरीज का है काम. एंड द वेंस में आप ये भी बोल सकते हैं, ये थिक होता है, ये थिन होता है. एक चीज़ ये भी है आपका इम्पॉर्टेंट, दैट से ये थिक और वो थिन. तो ये आपका थिनर वॉल से कंपैरिजन, इसमें आप बता सकते हैं वेंस हैव थिनर वॉल्स कंपेयर टू आर्टरीज. तो ये इसमें आप ये भी बोल सकते हैं ये थिनर है, इसमें थिनर वॉल है, ठीक है. और ये आपका इसमें आप बोल सकते हैं कि ये थिक है. तो ये भी आपका एक डिफरेंस पॉइंट है. देन द आर्टरीज थिक वॉल, आर्टरीज हैव ए थिक वॉल एंड द इसमें आप बोल सकते हैं विंस हैव ए थिनर वॉल. एंड द डिफरेंट क्या है आर्टरीज में, इट कैरीज यानी इसमें कहाँ से दे ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक ये ब्लड को ले जाता है. ये थिक वॉल का बना होता है एंड द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है एंड दे जनरली कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लेवल के बेस पर देखा जाए तो ये बहुत रिच होता है, यानी प्योरिटी होती है. वेंस कैरी जो करता है वो ब्लड को करता है टू द हार्ट्स फ्रॉम ऑल पार्ट द बॉडी, यानी पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ब्लड को हार्ट तक ले जाता है. एंड दे कैरी इम्प्योर ब्लड एंड इट हैव ए वॉल्व एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉल्व. एंड द वॉल्व प्रेजेंस इन वेंस एंड विच एंड द वॉट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, that the which prevent blood from flowing back to the organs and the yani depend on valves, presence of valve, presence in veins. तो ये आप बता सकते हैं it have valve which prevent blood from flowing back to the organs. It's a very important function of valve, presence in veins. And that's the what is your capillaries. तो आप capillaries बता सकते हैं क्या होती हैं. तो when इसमें आप लिख सकते हैं when an artery reaches an organ it divides to form smaller vessels called arterioles. These divided into further form extremely thin capillaries. तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं capillaries में क्या होता है. तो डेट से capillaries के अंदर आप लिख सकते हैं when an artery reaches an organ, जब artery से reaches हो जाता है organ के अंदर, then it divided to form small vessels called arteries. तो ये arterioles, then वो divided हो जाते हैं छोटी छोटी vessels में जिन्हें आप arterioles बोलते हैं. अब आगे आर्ट्रियोल्स का क्या वर्क होता है देखते हैं.
अब आर्ट्रियोल्स का क्या है मतलब, तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट्स, ये कैपिलरीज जो होती है ये ज्वाइन करके फिर आपका वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर आपके दो पार्ट हो गए, एक तो आपका ये हो गया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस एंड गैसेस विद बीइंग ब्लर्ड एंड द सेल्स अकर इन द कैपिलरीज। तो ये आप बता सकते हैं एंड द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर। अब ये भी आप बता सकते हैं कि इट ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म लार्जर वेसल्स called venules। तो आप ये भी चीज़ क्लियर कर सकते हैं कैपिलरीज के अंदर कि क्या है कैपिलरीज में, एंड दीज वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म द वेन्स। द ब्लड प्रेशर इन कैपिलरीज इज लोअर देन आर्टरीज बट हायर देन वेन्स। ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ जानना कि ब्लड प्रेशर किस तरीके से आपका कैपिलरीज के अंदर लोअर होता है देन आर्टरीज से बट हायर देन वेन्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये भी चीज़ आपको डिक्टेट कर देती है एक बार कि क्या है, तो एक बार आप देखिए किस तरीके से आपका ये बताया गया है कैपिलरीज में। एक दो लाइन आप और इसमें अटैच कर सकते हैं, दो लाइन और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ये जो विन्योल्स होता है विन्योल्स ये ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, ये वेन्स में आपका फॉर्म करता है वेन्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द ब्लड प्रेशर इन कैपिलरीज is lower than arteries but higher than veins। तो यह आपका कंप्लीट हुआ, किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं कि कैपिलरीज क्या है, एंड इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि कैपिलरीज के अंदर देखिए क्या क्या है। आपने देखा वेन्स, कैपिलरीज, सबसे पहले आपने देखा आर्टरीज, फिर वेन्स, फिर कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर आप ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स अकर इन द कैपिलरीज। ये एक्सचेंज जो होता है मटेरियल्स का, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, गैसेस हैं, ये आपके ब्लड के अंदर
मिल जाते हैं एम कैपलरीज के अंदर, जो आपका कैपलरीज के अंदर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर वेजल्स। इस तरह से ये ज्वाइन हो जाके ये एक लार्जर वेजल में कन्वर्ट होते हैं एंड टू फॉर्म कॉल्ड विन्योज। एंड दिस विन्योज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। ये ज्वाइन करते हैं, वेन्स से जुड़े हुए होते हैं। इन द ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि द ब्लड प्रेशर इन कैपलरीज इज लोअर देन आर्टरीज बट हायर देन वेन्स। यानी कैपलरीज इन कैपलरीज इज लोअर देन आर्टरीज। यानी कैपलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर लोअर होता है कंपेरिजन देन आर्टरीज, बट हायर होता है कंपेरिजन देन वेन्स से। वेन्स के कंपेरिजन में हायर होता है, आर्टरीज के कंपेरिजन में लोअर होता है आपका ब्लड प्रेशर इन कैपलरीज में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसका फंक्शंस है और ये क्या करते हैं। इसके बाद आपको हार्ट का है क्लियर करना, हार्ट का डिस्कशन है, देन नेक्स्ट टॉपिक इन हार्ट और नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।